बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव स्वामी पर आपको वेलकम करता हूँ। आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, बहुत ही अहम वीडियो है। एक टेक्निकल वर्क है जो कि मैं आपको बताऊँगा, आपसे शेयर करूँगा। बहुत ही सिंपल सा वर्क है। आपने करना क्या है, आपने सिर्फ जो है ना ट्रांसलेशन करनी है, और कैसे करनी है उसके ज़रिए आपने कैसे जो है ना $5 आपने विद इन 5 मिनट से 5 मिनट में आपने करने हैं। बहुत ही सिंपल सा वर्क है। तमाम तफसीलात आज की वीडियो में है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आपकी रहनुमाई हो सके कि कैसे आपने ये वर्क करना है और कैसे आपने अर्निंग करनी है। दोस्तों, वीडियो में आगे जाने से पहले आप तमाम से रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली हर अपडेट पर वक्त आपको मौसूल हो सके। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, अगर मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर, तभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपने वर्क करना है यहाँ पर, ठीक है, और कैसे आपने टाइपिंग करके जो है ना वो अर्निंग करनी है। तो यहाँ पर आप स्क्रीन देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने फीवर का जो है ना पेज खोला हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने ट्रांसलेशन लिखी सर्च इंजन में, तो आपके सामने जो है ना यहाँ पर रिजल्ट आ चुके हैं। 40,975 जो है ना 40,975 अवेलेबल, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। हर कोई जिसकी भी मतलब जो भी लैंग्वेज है वो उसको जो ना वो ट्रांसलेट कर रहे हैं, ठीक है। और 150 वर्ड 150 कुछ भी नहीं है, ठीक है। और इसका ट्रिक, अगर आपको मतलब ये लैंग्वेज अगर आपको नहीं आती, कोई मसला नहीं है, आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म लेकर आए जहाँ पर आपको 109 जो है लैंग्वेज आपको ट्रांसलेट ऑटोमेटिक करके देगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं जितने भी गिग्स हैं, हर किसी की अपनी एक लैंग्वेज दी हुई है। हर कोई मतलब है कोई मल्टी लैंग्वेज जो ट्रांसलेट कर रहा है। यहाँ पर एक गिग के ऊपर जो है वो क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। अब ये जो है ना, आई विल प्रोवाइड टॉप क्वालिटी इंग्लिश टू जापानीज ट्रांसलेशन, ठीक है। अब इनकी गिग जो हम राजा कर रहे हैं, बहुत ही उन्होंने अच्छा काम किया हुआ है, बहुत ही ज़बरदस्त उन्होंने वर्क किया हुआ है, ठीक है। और ये जापानीज जो है ना वो ट्रांसलेट कर रहे हैं, इंग्लिश टू जापानीज ट्रांसलेशन कर रहे हैं यहाँ पर। तो बेसिकली अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी कोई ऐसी लैंग्वेज जो ट्रांसलेट करें, तो ये जो प्लेटफॉर्म है जो मैं आपको बताऊंगा अभी इसी वीडियो में, उसको आप यूज़ करें। बहुत ही सिंपल है, बहुत ईजी है, और आप डेली जो है $5 से $10 आप अर्न कर सकते हैं। दीगर जो है ना यहाँ पर आप गेट चेक करें यहाँ पर, तो आसानी आपको आपको ये इलम हो सकेगा कि कितना आसान वर्क है और कितनी ज़्यादा इसमें अर्निंग है। जितना आप अच्छा काम करेंगे उतनी ज़्यादा इसमें अर्निंग होगी, ठीक है। जितना आप जो है ना थोड़ा सा लो लेवल करेंगे तो आपकी अर्निंग लाजमी बात है, आपकी कमी होगी। लेकिन आपको ज़्यादा मसला जो है ना वो ट्रांसलेशन का है कि ट्रांसलेशन हमने कैसे करनी है। तो ट्रांसलेशन के लिए मैं आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहा हूँ जहाँ से आपके पास 109 लैंग्वेज जो आपके पास अवेलेबल होगी, 109 लैंग्वेज को जो ना आपने वो ट्रांसलेट करना है। तो गूगल जो ट्रांसलेटर है, यहाँ पर आपके सामने मैंने खोल दिया जी कि गूगल ट्रांसलेटर जो ना ट्रांसलेटर है, इसको आपने गूगल क्रोम ओपन करना है। यहाँ पर लैंग्वेजेस जो है ना वो दी हुई हैं, इस पर मैंने क्लिक किया। अभी आपके सामने देख रहे हैं जी 109 लैंग्वेजेस जो हैं वो आप जो है यहाँ पर देख रहे हैं, आप ऑटोमेटिक ट्रांसलेट कर सकते हैं। जो आपको प्रोजेक्ट होगा उसमें ऑलरेडी आपको वर्ड्स दिए होंगे, ठीक है। जो भी वर्ड्स हैं मिसाल के तौर पर, वो इंग्लिश के हैं, जापानीज के हैं, ठीक है, चाइनीज़ के हैं, ठीक है, फ्रेंच हैं, जो भी लैंग्वेजेस है वो आपको दी होगी। वो आप इसमें जो ना यहाँ पर आपने इसको कॉपी कर लेना है, उसके बाद वहाँ पर उसको पेस्ट करके आपने बसानी इसको ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं इंग्लिश टू उर्दू कर रहा हूँ। एक सिंपल सा मेथड आपको मैं बता रहा था कि आपको पता चलेगा कैसे हमने करना है। अब यहाँ पर मैंने इंग्लिश सेलेक्ट की है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं वर्ड लिखूंगा, ठीक है, उसके बाद जो उर्दू ट्रांसलेशन होगी वो आपके सामने होगी। माय नेम इज जावला खान, ठीक है, एक सिंपल सा जो ना ट्रांसलेशन है, ठीक है। अब ये आसानी इतना ट्रांसलेट के लिए ऑटोमेटिक है, जो आप लिखते जाएंगे आपकी ट्रांसलेशन होती जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा आपके 5 मिनट लगेंगे, ठीक है। 5 मिनट लगने के बाद आपकी ट्रांसलेशन जो है ना वो मुकम्मल हो जाएगी। अब यहाँ पर एक और वर्ड लिखता हूँ, आई गो टू ऑफिस डेली, ठीक है, मैं रोज़ाना ऑफिस जाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ साथ साथ उन्होंने ट्रांसलेशन भी कर लिया। आपने इसको कॉपी कैसे करना है, अब जो उर्दू है उसको आपने इन पेज में जो है एक फाइल बना लेनी है, उस फाइल में आपने जो है उसको कॉपी करके आपने अपना प्रोजेक्ट कम्प्लीट करके आपने जो ना जो वायर है आपका उसको आपने सेंड कर दो, ठीक है। अब यहाँ पर एक ऑप्शन है कॉपी का, यहाँ पर आपने कॉपी के ऑप्शन पर क्लिक करना है, ठीक है। आपको जो एरो का निशान है वो आपको देख रहा हूँ, ठीक है। आप जो है उस पर आपने कॉपी करके आपने उसको सेंड कर देनी है। अगर आपकी इंग्लिश है आपने वर्ड में एमएस वर्ड में, ठीक है, आपने या पीडीएफ फाइल से आपने बना लेनी है, पीडीएफ फाइल बसानी आप कन्वर्ट कर सकते हैं उसको, ठीक है, और आप उसको मेल कर दें, ठीक है, और आपका वर्क बसानी कम्प्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कर दें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।